वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो गाइज, बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही क्योंकि बहुत बिजी थी, कुछ काम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही। टाइम का बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी लगी थी, शेड्यूल बहुत ही चेंज हो चुका था। लेकिन गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खास टॉपिक पे स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लिया है बहुत ही स्पेशल है। और उसकी सबसे बड़ी बात है एक विश्वास, क्योंकि गाइज जो विश्वास होता है उसी चीज़ से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी काम करें, सबसे पहली बात तो हमें विश्वास रखना ज़रूरी होता है। एंड मैंने भी फर्स्ट टाइम ही उसी चीज़ को बनाया और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दूँ। सो गाइज, जो स्पेशल टॉपिक है वो है विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड कैसे बनाना चाहिए और क्या होता है विज़न बोर्ड, उसी चीज़ पे। और काफ़ी मेरे बिजनेस के जो टीम पार्टनर है उनके लिए भी काफ़ी हेल्प होगा, ताकि मैं बनाऊँ वो मुझे डुप्लीकेशन करे इस चीज़ को लेके, वो भी देख के बना सके। एंड विज़न बोर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ विज़न बोर्ड। विज़न यानी दृष्टि, जो बार बार दृष्टि हमारे उसी तरफ जाए। बोर्ड, एक बोर्ड पे हम अपने जो भी सपना है, अगर कोई भी काम करें तो हमें एक विज़न होना ज़रूरी होता है, विज़न क्लियर होना ज़रूरी होता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उसका कोई मंजिल ही नहीं है, उसका कोई रास्ता ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसे ही भागते भागते तो किसी वो नहीं है ना। जैसे हम मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि हम कोई भी सामान लेने बाज़ार पर जाते हैं, मान लीजिए बाज़ार पर जा रहे हैं, हम अगर सामान का लिस्ट नहीं है तो हम सामान कहाँ से क्या लाएँगे। लिस्ट है तो मतलब बाज़ार से सामान लेके आएंगे। सेम वैसी चीज़ वही, ऐसे ही हम अपने लाइफ के ऊपर इसे लेना है। क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमारे सपने हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, लेकिन क्या पाना है वही विज़न अगर क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या फ़ायदा। जो मेहनत है वो हमारे बेहतर, क्योंकि हम पहले हमें सपना देखना ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास सपना एकदम क्लियर है, विज़न एकदम क्लियर है, आप जो कर रहे हो उसे आपको क्या करना है, क्या लेना है, तो हम उसी चीज़ को पाने के लिए फोकस करते। मान लीजिए हम कोई विज़न है ही नहीं, बस भागते रहे, कब तक भागेंगे। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दीजिए, कोई मुझे कार लेना है, मुझे कितने साल में लेना है वो तो क्लियर करना पड़ेगा ना। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक साल के अंदर कार लेना चाहती हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं, मैं मेहनत कर रही पता ही नहीं एक साल में लेना है, दो साल लेना, पर कब तक करूँगी। तो अगर क्लियर हो, अगर मैंने टारगेट बना लिया, टारगेट का बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर मैंने टारगेट बनाया एक साल के अंदर मुझे कार लेना, तो लेंगे ही, क्योंकि एक विश्वास आता है। और विश्वास जिसको होता है उसी हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका वॉक करता है। बार बार दृष्टि आपकी उधर जाए, वहाँ पर ही लगाना, ताकि आप जब भी घर में आओ जाओ या फिर कुछ भी काम करो, दृष्टि आपकी उधर जाना चाहिए। आप जितनी बार उनको देखो उतनी बार आपके माइंड को ये मतलब अट्रैक्शन देगा या फिर अटेंशन देगा कि आपको ये लेना है। और आप ये बार बार देखोगे, मान लीजिए आप सो के उठते आपकी नज़र उस पर गई, तो आप देखोगे, तो आप कभी अगर काम करने का मन हो, कभी हमारा भी कभी कभी होता है कि मन नहीं हो रहा यार, बोरिंग रहने दो यार, नहीं हो पाएगा, ऐसे अगर हम डीमोटिवेट होते हैं ना, तो वो सिर्फ विज़न बोर्ड को हम देखते हैं तो फटाफट भागने लगते। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ लेना है, क्योंकि माइंड को ये देता है कि ये लेना तो लेना ही है, क्योंकि हमने विज़न बोर्ड एक वाइट कलर पेपर या चार्ट पेपर चिपका के, आप कार्डबोर्ड लेंगे, चार्ट पेपर चिपका के आप लगा सकते हो, वाइट या अदर कलर, मतलब लाइट कलर होना चाहिए, ज़्यादा डार्क या ब्लैक कलर नहीं, क्योंकि ब्लैक कलर आप वो शांति की नहीं है, अगर वाइट कलर लेते वो पीस माना जाता है। तो गाइज, मैं आपको दिखा रही हूँ विज़न बोर्ड क्लियरली कैसे बनाना चाहिए। सो गाइज, मैंने यहाँ पर सिंपल सा कार्डबोर्ड लिया है, या आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे 10-20 रुपीज़ में मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी कलर का चार्ट पेपर चूज़ करना है, ब्लैक नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पर येलो लिया है। उसके बाद आपको पिंक कलर की सेलो टेप चिपकाना है, इससे बॉर्डर बनाने, और मेरा जो पिंक कलर का जो सेलो टेप है वो थोड़ा ग्लिटर ही है, उसका लुक बहुत ही शानदार आता है। सो गाइज, ये तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं अगेन सिल्वर कलर का ग्लिटरी सेलो टेप हाफ बॉर्डर बनाऊंगी, इसका भी लुक बहुत ही शानदार होगा, आप जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइज, विज़न बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी शुरू होगा।
आपके जो भी सपने हैं, जो भी गोल्स है, उसे आपको गूगल पे सर्च करना पड़ता है। सर्च करने के बाद आपको उनमें से कुछ फ़ोटोज़ जो आपके सपने ही मान लीजिए कोई कार वगैरह से, उनमें से आपको चूज़ करना है और उसे डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट करके निकालना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ गाड़ी वगैरह जैसे कि जिम वगैरह मैंने यहाँ पर, ये मेरे सपने हैं, तो मैंने ऐसे सर्च किया, कुछ चूज़ किया फ़ोटोज़ और प्रिंट आउट निकालना है। बस वही चीज़ आपको चिपकाना है। सो गाइज, यहाँ पर मेरा विजन बोर्ड क्लियर कंप्लीट है। सबसे पहले ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू वन बिलीफ। इसका मतलब आप तो समझ चुके होंगे कि, और मैंने पूरे विजन बोर्ड पे छोटे छोटे कुछ स्क्वेट्स बना के दिया है, जो जिसे मैं जब भी इसे देखूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज आए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है नेवर एवर गिव अप, नथिंग इम्पॉसिबल, इट्स ऑलरेडी योर्स। क्योंकि जब भी मैं इन फोटोज़ को देखूँ ताकि मुझे मैसेज आए कि ये ऑलरेडी मेरे ही है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आई एम सक्सेसफुल, ये मैसेज मेरे माइंड पे आएगा। फिर यहाँ पर होप, हैप्पी, हेल्दी, जॉय, ये सब लिखा है। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ यू वांट इट, वर्क फॉर इट। जब भी मुझे कहीं डिमोटिवेट हूँ तो ये सब विजन बोर्ड को मैं देख के, ये लाइन देख के, कम से कम मेरे मैसेज, मेरे माइंड में ये मैसेज आए कि अगर आप ये सब चाहते हो तो इसके लिए आपको वर्क करना ज़रूरी है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ जो मेरी कार दिख रही है, मेरी ड्रीम कार है, हालांकि मैंने यहाँ पर डेट फिक्स नहीं किया, पर ये मेरी ड्रीम कार। फिर यहाँ पर ये मेरे सपना है, गोल है कि मैं अपने मम्मी को ये जीप गिफ्ट करूँ। फिर यहाँ पर मैंने कुछ पोस्टर लगाया है जो जिम से या एक्सरसाइज से रिलेटेड, वर्कआउट से। फिर मेरा ये भी गोल है कि मेरा 3 साल के अंदर ये फिट बॉडी हो। फिर इसमें मेरे हस्बैंड को कुछ गिफ्ट देने के लिए रखा हुआ है। फिर यहाँ पर मेरे ड्रीम है ऐसे बालकनी हो, फिर ये मेरा जिम हो, फिर ये वाली भी कर रहा हूँ, फिर मेरे यूट्यूब चैनल से ये मेडल आए, और उसके बाद ये मेरे वार्डरोब कपड़ों वाले क्लोथ वाले बैग्स वगैरह, फिर ये गिटार का, फिर स्कूटी का, फिर आप देख सकते हो या फिर नेल एक्सटेंशन का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, ये भी मेरा एक सपना जैसा है। फिर मेरे यहाँ पर स्विमिंग पूल का, फिर यहाँ पर बाथरूम वगैरह, और ये मेरा सबसे फेवरेट वाला गार्डनिंग बालकनी जो मेरा बहुत ही खास है। सो गाइज, यहाँ पर ये मेरा विजन बोर्ड एकदम कंप्लीट होता है। कैसा लगा मेरा विजन बोर्ड, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए, और आप भी बनाइए ये सब सेम आपके जो सपने हैं, विजन बोर्ड बनाइए। और ट्रस्ट मी गाइज, विजन बोर्ड से आपके सपने बहुत ही आसान तरीके से पूरे होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।